शिमारु कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आधा घंटा हो गया। नहीं बोला था मैंने तुमको। अबे पता है उसे जगह ये। तेरे जैसी अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है वो। उसे 10:30 का टाइम दिया था, अभी 10 बज रहे। अच्छा सुन, हमारी पहचान तो इस अंदाज से कराना कि झटके से पता चले कि हम राहुल के कितने करीब है, और हमने तेरी पहचान उससे कराई। हाँ हाँ बोल दूंगा यार। अबे तू खड़ा क्यों, बैठ, हट। ड्रेस में झुर्रियां आ जाएंगी। कैसा लगता हूँ मैं? शाहरुख शाहरुख शाहरुख। मुंह पे मटका रखेगा तो एकदम शाहरुख। तो ट्राई कर लूं क्या? ए, मामू 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 तू ऋतु को फोन करके बोल कोरियन थिन स्विमिंग पूल आ जाए, वहाँ भी एक कॉफी शॉप है। हाँ लेकिन यार वो मोबाइल लाया नहीं ना, नहीं तो कर लेता फोन में। झूठ मत बोल साले, ये क्या दिख रहा है मेरे को? चल फोन निकाल, चल। हाय हाय हाय। हाँ हाँ निकाल रहा हूँ, अबे रुकना ये रहा। बिजी है बिजी। साले लगा हुआ है, कर बात। हाँ ऋतु, हाँ मैं पक्या बोल रहा हूँ, पंकज बोल रहा हूँ। ऋतु वो मॉल के जगह हम लोग कोरियन थिन स्विमिंग पूल मिल सकते? नहीं वो मैं बताता हूँ आपको, मतलब तुम्हें मिलके बताता हूँ मैं। हाँ चल 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 पहले पहुँचने का। अरे कर रहा हूँ ना, चालू कर चालू कर फटाफट। अरे क्या जल्दी, तुझे मुझे भी तो मिलना है तुझसे। चुप बैठ, तू मुझे चलाने दे, तू रिपेयर करा के ला, मैं इनके साथ निकलता हूँ। यार गुरु मुझे भी ले चलो, हेलो मुझे भी ले चलो। हाँ ऋतु मैं पक्या बोल रहा हूँ, पंकज बोल रहा हूँ। हाँ ऋतु स्लाइड चेंज ऑफ प्लान, वो कोरियन थिन क्लब मत जाना। हाँ उसके बजाय हमारे घर के पास, सॉरी तुम्हारे घर के पास वो नेहरू रोड है पता है? वेरी गुड वेरी गुड। उसके पास इंडिया कॉफी हाउस है पता है? वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग वहीं मिलते हैं। नहीं वो मैं तुम्हें मिलके बताता हूँ। ओके ओके। पूरा परफ्यूम भी सूख गया मेरा। अबे यार ये पक्या की राह देख देख के मैं पक गया, मेरे को तो फुल लफड़े की बुआ रही है। हाँ यार ऋतु भी नहीं आई अब तक। 2 और 2 मिलाओ 22 समझो, इससे पहले इनकी गुटरगु शुरू हो जाए चलो चल के इनको कहीं ढूंढते हैं। तुमने जगह क्यों बदली अचानक मिलने की? नहीं वैसे तो अच्छी थी वो जगह, लेकिन अचानक कुछ हुड़दंडी मंडराने लगी। बोलो क्या लो? तुम बोलो। कोल्ड कॉफी, एक कोल्ड कॉफी आइसक्रीम के साथ और एक ग्लास पानी के साथ। अरे कुछ तो लो। नहीं मेरा आज उपवास है। थैंक यू। उपवास किस लिए? नहीं वो हम जैसे मर्द मानते हैं कि गुरुवार के दिन अगर हम उपवास रखें तो हमें एक सुशील कन्या मिल सकती है। अच्छा। अरे देख देख ये वही कमीना है, मुझे उस दिन पीटने वाला। क्या हुआ? चलो चलो कल्टी मारते हैं। क्यों? नहीं ये जगह ठीक नहीं। पर अभी अभी तुमने कहा कि ये क्लासिक जगह है। गर्मी गर्मी बहुत बढ़ गई है और ये टैन तुम्हारी त्वचा के लिए अच्छा नहीं है। चलो चलते हैं। पर ये जो कोल्ड कॉफी हमने नहीं वो कॉफी कैंसिल। क्यों बे, मुझे देखते ही सुई चुप गई नीचे। आप कबे साले, लोगों से टायर में बड़ी फूफू क्या वापर आता है? आप कौन सज्जन है, मैं आपको जानता नहीं। लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे कैसे? कहाँ गए बाकी के लफंगे सारे? कौन कहाँ किसकी बात कर रहे हो भाई साहब? इसकी शक्ल देख के लगता है कि हम जैसे 50 पे बेवकूफ बना चुका है। देख देख ऋतु तो यही है। हाँ मगर इतनी भीड़ क्यों है? उबे पकिया, इसको कौन पीट रहा है? फरिश्ते हमारे साथ धोखा किया साले ने। अरे ये तो बाइक वाली गैंग है, चलो इसे बचाते हैं। ए, संत ज्ञानदेव तू यहीं रुक जा, बहुत कम इंसान मिलता है दुनिया में, साले को थोड़ी सजा मिलने दे। सही बोला इसने। हाँ। तू बहुत महान है ढंबेरे। अबे क्या कर रहा है, धत पे मार साले के। बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बाना खाते हो कि नहीं, जोर से घुमा के दो पेट में इकला। Yeah.
ना का ना। क्या हो रहा है इधर, क्या मुजरा हो रहा है इधर? दाप दाप लगा बाप, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो सुनो, राहुल एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी उससे प्यार करती थी, या प्यार करने का नाटक कर रही थी पता नहीं, मगर एक दिन उसने राहुल को मिलने से मना कर दिया। पर क्यों मना किया उसने? हाँ, क्योंकि अब हमें बाद में पता चला कि लड़की घर वालों के अंगूठे के नीचे दबी हुई है। लेकिन राहुल ये बात इतने दिल से लगा ली कि दारू सिगरेट एकदम छोड़ दी। नाम क्या था लड़की का? उसका नाम तो मुझे याद है, हाँ वो सोफी। इसका मतलब वो क्रिश्चियन? हाँ, वही तो मुसीबत की जड़ थी। ये हिंदू, वो क्रिश्चियन, सोफी के परिवार वालों ने दोनों को जुदा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कई बार तो गुंडों से भी पिटवाया। हाँ हाँ, अरे जिन लड़कों से मैंने इस मच्छर को बचाया ना, वही तो थे वो गुंडे, अब तक हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम भी राहुल के साथ डटे रहे, उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। अरे एक बार राहुल सिर्फ एक बार कहता ना, उस लड़की को शादी के मंडप से नारियल की गठरी की तरह उठा के उसके सामने पटक देता, लेकिन वो बोला ही नहीं। मुझे याद है जब वो हमें आखिरी बार मिला, एकदम देवदास लग रहा था। उसने हमें गले लगाकर गुड बाय बोला, तब उसके आंसू देखकर मेरे भी आंसुओं की धार निकल पड़ी। आजा मेरे साथ, ऐसा ही मत रो, आजा मेरे साथ, मेरे साथ आ, तू मत रो मत रो मत रो मत रो मेरे भाई, अब इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगाड़ देगा यार तू। क्या सोच रही थी? सोचती हूँ कि तुम चारों के अलावा भी एक और दोस्त था जो राहुल भैया के बहुत करीब था, वो कहाँ होगा? कहीं नहीं होगा। हाँ। क्योंकि कोई था ही नहीं। हाँ। राहुल के तो आगे पीछे ऊपर नीचे हम ही लोग थे। नहीं, कोई और भी था, मैंने उसके बारे में सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं, पर मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। नाम क्या बताया? जय। राहुल भैया उसे उसी नाम से बुलाते थे, कैसा दिखता है पता नहीं, मगर इतनी नफरत क्यों? वो मेरी अपनी बात है। चलो मान लो कि मैं उसे जानता हूँ और तुम्हें उसे मिलवा भी देता हूँ, तो तुम करोगी क्या? एक जोर का थप्पड़ मारूंगी। तुम जानना चाहती हो जय कौन है? हाँ कौन है? तो हम ही में से एक, लेकिन इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। क्या पक्किया? हमारे लिए पक्किया, लेकिन कई लोग उसे जय कह के बुलाते हैं, उसका सरनेम जयवर्धने है ना, तो जयवर्धने जय जय जयवर्धने, समझी? अरे प्लीज प्लीज, वैसे इतना बड़ा राज तो है नहीं, फिर भी उसे ये मत बताना कि हमने तुम्हें बताया है। क्या है ना कि जय ये नाम उसे इतना अच्छा नहीं लगता, पता चल गया तो खामखा वो हमारी। लेकिन हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, और जरूरत के वक्त काम आने वाला दोस्त ही जिगरी दोस्त होता है ना? चलो हमेशा के लिए टपका, तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान। एक छप्पड़ मारूंगा, पक्किया को टपकाने का फुल क्रेडिट मेरी अकल को जाता है। तुम्हारा पूरा नाम पंकज जयवर्धने है ना? हा? लेकिन और दोस्तों के लिए पक्किया बराबर। हाँ, मगर मगर मेरे भैया तुम्हें जय बुलाते थे। जय
इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ एक जोरदार लगाने के लिए आई थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे होने वाले पति हो। बहुत मजा आया। साला हमारा पत्ता काटने चला था। अब ऋतु उसका गला काटेगी। मैंने बोला था सालो, मेरे बाल ही नहीं, मेरी अक्कल भी बड़ी है। साला बहुत कमीना ही है। Yes, boys. आज से आप लोग मेरे दोस्त नहीं बल्कि जिगरी दोस्त बन गए हैं। जिसे मिलने के लिए मैं कब से बेताब थी, उसे मिलाया आपने। यही तो मेरा मंगेतर है। मंगेतर? तूने तो कहा था झापड़ मारोगी, जान ले लोगी और पता नहीं क्या क्या करोगी, ये क्या कर रही हो? जय के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहिए। इतने दिन मुझसे छुपा रहा, सजा तो मिलनी चाहिए, है ना? पर क्या करूं? जब भी इसे देखती हूं, तो मेरा दिल पिघल जाता है। और तुम इन सब के साथ मिलके मेरी खिंचाई करते रहे। मारो, मेरी अकल फिसल रही। मेरी भी। क्या? अरे ऋतु, तुम्हें निकलना चाहिए ना अभी, वो दादाजी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। ओह या या, राइट। बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई विल कॉल यू टुमारो, बाय। देखने को बाकी था। निकम्मो, मेरे रास्ते में सांप बिच्छू छोड़ रहे थे, उल्टा वही सांप आके तुम्हें डसाना। ऋतु के लिए उसके भाई ने किसको चुना? अपने जिगरी दोस्त को। उस जिगरी दोस्त का नाम क्या था? जय। मैं जय बना किसकी बदौलत? तुम्हारे फूटे कर्मों की बदौलत। अब कल जाके मैं दादा दादी से मिलूंगा, परसों सगाई और फिर शादी। तुम गरीबों के लिए मैं लंगर जरूर रखूंगा। वैसे किसके किसके दिमाग में से निकली थी ये गोटी, प्लीज मुझे नाम बताओ। असली जय ने अवतार लिया तो? अरे तब तक तो शादी हो जाएगी। मैं ऋतु के दिल में प्यार का ऐसा ताजमहल बनाऊंगा कि कोई भी भाई का बुलडोजर उसे उखाड़ नहीं पाएगा। Sir, this is our consignment invoice for export to UK and हिंदी में बात नहीं कर सकते, हिंदी में बात करो ना। नहीं, मतलब ये था कि ये जो UK में हमारा कपड़ा जाता है उसके सिलसिले में ये है, तो इसको साइन करना है आपको। हाँ, यहाँ पे ठीक है, तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ, तुम जाओ। नहीं सर, ये बहुत अर्जेंट है। तो खुद ही कर लो। नहीं, मैं साइन नहीं कर सकता सर। एक साइन नहीं कर सकते, फिर इतना बड़ा कंठ लंगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? नहीं नहीं, मेरी अथॉरिटी नहीं, मतलब मेरा अधिकार नहीं साइन करने का सर। ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। बुधवार को मतलब? अरे तुम जाओ, तुम चक्कर मत पड़ो, तुम जाओ 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 जाओ। बुधवार को है? हाँ हाँ जी, हाँ जाओ जाओ। फसा दिया सर। जाओ ना यार तुम। नहीं नहीं, कुछ नहीं सर। सर साइन हो गई। अरे नहीं यार, ये नमूना त्रिपाठी जी को किस मेले में मिला होगा, वो भी ऋतु के लिए? आधा तीतर आधा बटेर, टोटल बेजोड़। अरे सर, आया जब से चपरासी को भेजकर कुछ ना कुछ खाने को मंगवाते रहता है, अखा दिन चढ़ते रहता है। अच्छा, लेकिन वो कहते ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो फिर क्या हाथी क्या मोर, सब बने गधे के कदरदान। कहाँ से खरीदा मलबा? वो नीचे है ना पांडे जी, पान वाले। तो पान वाले को बोलो कि पान लगाना छोड़ के वो जूते चमकाना शुरू कर दे। कहते हैं कि पान और ईमान फेरते रहना चाहिए, फिर मटके में बांधे चूने की उंगली को पान पे यूं घुमाना चाहिए, यूं घुमाना चाहिए कि पान ना हो किसी गोरी का गाल हो, है? फिर थोड़ी रातरानी चटनी, थोड़ा नवरत्न की माम और कथा है, कथा असली अरारोट नहीं। ओए होए, फिर जो पान लगे साला मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए, और उसको नहीं मालूम है पान कैसे लगा जाता है, तो उसको बोलो मैं उसको सिखाता हूँ कैसे पान लगा जाता है। क्या कर दिया इसको? क्या हुआ?
मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब यहां से बाहर निकलना होगा, तो ऐसे दे देते हैं। किसे, क्या क्या ढोल? याद है मैंने तुझे दिया था? हाँ, कब? आग क्यों मार रहा है? कचरा गया है यार, तू नाटक बंद कर, यहाँ जीने के लाले पड़े। चल जल्दी बता ढोल कहाँ है। या तो मैं पागल हो गया हूँ या तेरी बुद्धि खराब हो गई है। तू देता है कि नहीं, तू देने वाला है कि नहीं ढोल? देता हूँ, तुझे कल्पना खींच के देता। अच्छा, चल चल बता कहाँ छुपा के रखा है, चल बता। हा? मुझे कुछ मालूम नहीं यार। तू सही बोल रहा है मारू, ढोल इन कमीनों को मत देना। कोटी तू बीच में टांग मत मार। मारूंगा, ढोला मारा है, हम पोकट में किसी और को क्यों दे? जिंदा निकलना इस नरक से, इसलिए तो कोई और भी रास्ता होगा। मारू, तू किसी को कुछ मत बताना, मैं तेरे साथ हूं। एड़ा हो गया ये, इसको कुछ समझ में नहीं आता। ये गधे क्यों लड़ रहे हैं, ये किस ढोल के लिए भौंक रहे हैं? अपना गटर बंद रख, मारू यहां से भागना है कि नहीं? एक्टिंग है। माइकल दादा, ये वही लौंडे हैं, पकड़। लगता है कम वक्तों का तगड़ा झुंड है साला उनके साथ। अभी अभी डराते हैं। चल अभी ढील दे, बाद में काटते हैं, पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए।